हिजरत करो तो
1887 ईस्वी में शहर जबलपुर से निकलकर सबसे पहले वहां दानापुर में पहुंचे। दानापुर के क्याम के दौरान बहुत सारे वाकया पेश आए, लेकिन एक वाकया बहुत ही तारीखी है और उसमें इमामुल्लाह महदी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस बहसियत महदी आखिरुज़्ज़मा ज़ाहिर करा दी जा रही है। चुनाचे वाकया ये होता है कि बीबी इलाहदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में अल्लाह ताला मुखातिब है कि हमने तुम्हारे शौहर नामदार को खातिमे विलायत मुहम्मदिया बनाया है, महदी आखिरुज़्ज़मा बनाया है। तो बीबी इलाहदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफतुल्लाह की ज़ौजा है, आपका ख्वाब भी गोया के हकीकत थी। अब बरस आप इमामुल्लाह अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाब को बयान फरमाती है, इमामुल्लाह महदी अलैहिस्सलाम को तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि बंदे को भी जमाने दराज से ये बताया जा रहा है कि तेरी साथ महदी आखिरुज़्ज़मा की है, खातिमे विलायत मुहम्मदिया की है। जब वक्त आएगा तो उस वक्त इजहार होगा, लिहाजा बीवी अब इजहार का वक्त नहीं है। ये ख्यालात का तबादला शौहर और बीवी के दरमियान घास के झोपड़ी में हो रहा था और बाहर हजरत बंदगी मीरा सैयद महमूद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जिनकी आज बहरयाम मुकद्दस है, सिर्फ 18 बरस के नौजवान हैं। बाहर जब ये गुफ्तगू सुने तो जैसा कि मुहावरा भी मशहूर है कि शेर का बेटा शेर होता है, तो बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अदर चके नौजवान हैं, 18 बरस के हैं, लेकिन उनकी रगों पर में खलीफतुल्लाह का खून है, जिसकी वजह से जब ये रूहानी और आलियत वाली गुफ्तगू सुनते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, मुस्तरक हो जाते हैं और किसी के गिरने की जब बाहर आवाज आती है ये महसूस ही किया जाता है। उसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से ये बताया जाता है कि हमारा एक बंदा हमारी जात में मुस्तफा होकर गिर गया है, लिहाजा जाओ और उठाओ। तो हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम को तस्लीम जाते हैं, अपने फर्जंद दिलबंद को उठाते हैं और उजरे में लाते हैं और उसके बाद आप बेशुमार बशारते बयान फरमाते हैं। उसमें इमामुल्लाह महदी अलैहिस्सलाम को तस्लीम जो बतौर खास ये जो जुमला इरशाद फरमाया बशारत के तौर पर कि भाई सैयद महमूद का बाले बाल ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया है, यानी आपका सरापा हक ताला में ऐसा जज्ब हो गया था, मिल गया था कि इमामुल्लाह महदी अलैहिस्सलाम इस तरह की बशारत दिए। दानापुर के इस तारीखी वाक्य के बाद जब अल्लाह के हुक्म से इमामुल्लाह महदी अलैहिस्सलाम दानापुर से हिजरत करके मांडो में आते हैं तो मांडो में इमामुल्लाह महदी अलैहिस्सलाम का क़याम रहता है, वहां भी आपकी दावत महदीयत का बहुत ज्यादा शोहरा हो जाता है, बयान कुरान का शोहरा होता है, लोग आते हैं। और जब महदी अलैहिस्सलाम शहर जीवनपुर से हिजरत करते हुए दानापुर वगैरह की तरफ निकले हैं तो आपके साथ सिर्फ 17 अफराद हैं, जिनमें बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बहन और आपकी वालिदा मोहतरमा बीबी इलाहदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वगैरह। उसके बाद जब शहर मांडो में पहुंचते हैं तो मांडो में भी एक तारीखी वाकया होता है, दो रबीउल अव्वल जिस वक्त हुज़ूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्से शरीफ इमामुल्लाह महदी अलैहिस्सलाम बड़े ही इहतमाम के साथ आला पैमाने पर करते हैं और शहर मांडो के तमाम उलमा फ़ज़ला जागीरदार मनसबदार अवाम सबको हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के कुर्से शरीफ की दावत दी जाती है, खाने का एहतमाम होता है, पकवान की निगरानी खुद खलीफतुल्लाह हज़रत महदी अलैहिस्सलाम करवाते हैं। उसके बाद खैरुल्लाह का जब वक्त आता है नमाज ज़ुहर के बाद तो इमामुल्लाह महदी अलैहिस्सलाम पकवान के निगरानी की जिम्मेदारी अपने फर्जंद अर्जुमन हजरत बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देकर थोड़ी देर के लिए इस्तराहत फरमाते हैं। उसी दौरान एक नागवार वाकया पेश आ जाता है कि हजरत सानी मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गोद में 2 साल मियां से अजमल जो हजरत सानी मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
उनके छोटे भाई हैं, और जो कलगन चापानियर में पैदा हुए थे, तो वो वहां पर आपके गोद से ढलक जाते हैं। एक रिवायत के हिसाब से खौलते पानी के देव में, एक रिवायत के हिसाब से देव में गिर जाते हैं। अलबरस शहादत हो जाती है। हजरत सानी ने दिया के वाह इस वाक्य के बाद बहुत रंजीदा खातिर हो जाते हैं। इमाम नबी अलैहिस्सलाम ने तसल्ली देते हैं कि अल्लाह को यही मंजूर था। उसके बाद हजरत मियां सैयद अजमल को मांडो के उस कब्रिस्तान में दफन किया जाता है जहां पर 350 हाफिज कुरान पर अल्लाह का अजाब हो रहा था। मियां सैयद अजमल यानी खलीफतुल्लाह मेहदी अलैहिस्सलाम के सिर्फ 2 साल फर्जंद के सदके में अल्लाह ताला ने उन 350 हाफिज कुरान के अजाब को उठा लिया। अलबरस उसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को तस्लीम हिजरत करते करते हज्ज बैतुल्लाह का इरादा फरमाते हैं। हज्ज बैतुल्लाह में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 360 अस्हाबे किराम के साथ जाते हैं। उसमें हजरत बंदे की मीरात सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शरीक होते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बहुत सारी बशारतें देते हैं। अगरचे के देखिए कि रिश्ता बाप और बेटे का है, वालिद और फर्जंद का है, लेकिन खलीफतुल्लाह आला अखलाक का मुजाहरा कर रहे हैं। जहाज पर पहले अपने फर्जंद को सवार करते हैं, उसके बाद खुद सवार होते हैं, बहुत सारी बशारतें देते हैं, और हज के तवील तरीन सफर में बहुत से तारीखी वाकया पेश आते हैं। उसके बाद वापसी होती है। वापसी के बाद दौरान हिजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हिजरत करते करते पटन में आते हैं, और पटन में जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आते हैं तो वहां पर आपको बीबी मकान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपका निकाह होता है। तो निकाह में आपके वालिदैन 3 खादिमों को, 3 बांदियों को देते हैं जिनमें एक बीबी खूब कलाम है। उन 3 में से जब बीबी खूब कलाम जो बहुत ही खूबसूरत तरीन थी, इंतहाई नाजुक, और जिस तरह की एक नाजुक तरीन औरत होती है वो सारी खूबियां और खूबसूरती की वो आला सिफात उनमें मौजूद थी। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बीबी खूब कलाम को हजरत बंदगी मीरात सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दे दिया और आपसे उनका निकाह हो गया। उसके बाद कुछ वक्त गुजरता है। इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम अभी बटन में ही क़याम फरमा होते हैं। एक मर्तबा गालिबन नमाज़े ज़ुहर का वक्त होता है, उस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु तस्लीम नमाज़े ज़ुहर के लिए वज़ू फरमा रहे हैं और आपके फर्जंद तकरीबन आते हैं। ये सन 904 हिजरी की बात है। हजरत बंदगी मियां बंदगी मियां सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में आकर सवाल करते हैं कि मीरान जी, कोई शख्स माँ पेट से बचपन से दुनिया को तर्क कर दिया है और कोई शख्स कुछ कसब और रोटी रोजी कमाने के बाद तर्क दुनिया करता है, तो दोनों में फर्क क्या है? इमामुल कायनात हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए कि दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जो इस दुनिया में दस छोड़ेगा आखिरत में 70 गुना उसे अजर और सवाब मिलेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु तस्लीम का जब ये इरशाद मुबारक सुनते हैं तो हज़रत सानी मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कसब के इरादे से वालिद बुजुर्गवार की खदमों से करके रवाना हो जाते हैं, और उस वक्त हज़रत सानी मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र शरीफ 32 या 33 बरस की होती है। अब यहाँ पर बरसबीय तस्करा में यह बात बताने की सआदत हासिल करूंगा कि तर्के दुनिया अंबियाए किराम की खुसूसियत है। तर्के दुनिया बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन मुतासिब उलमा ने हर दौर में तर्के दुनिया को रुबानियत करार दिया है, जबकि बेशुमार अंबियाए किराम औलिया अल्लाह तर्के दुनिया के है उजलत असफल मखलूक से अलग थलग जिंदगी बसर की है। लेकिन खलीफतुल्लाह अपने ही फर्जंद को कसब को भिजाकर बता रहे हैं कि कसब भी बहुत बड़ी इबादत है। चुनाचे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कसब वही करेगा जिसके पास अंबिया का ज़र्फ़ हो,
कैपेसिटी इतनी हो तो कसम के भी शरायत महंगे सलाह बता दिए वालिद बुजुर्गवान की खत्म दोषी होती है और उसके बाद हजरत सानी मेहंदी रजी अल्लाह तआला को रवाना होते हैं तो इमाम ना मेहंदी अलैहि सलाम आवाज देकर बुलाते हैं कि मियां सैयद महमूद जरा इधर आओ। उसके बाद आने के बाद मेहंदी अलैहि सलाम एक बहुत ही तारीखी फरमान जारी फरमाते हैं जो अगर कोई भी महदवी इस फरमान को मशले राह बना ले, इस फरमान को सबसे बड़ा आइडियल बना ले तो फिर यकीन जानिए कि वो हमेशा अल्लाह के साथ रहेगा और अल्लाह उसके साथ रहेगा। मेहदी माऊद बरकत अलैहिस्सलाम खलील खरीम बुलाकर कंधों पर हाथ रखकर इरशाद फरमाते हैं कि भाई सैयद महमूद हर जात के आशीष बाजात खुदा आशे तुम जहां कहीं रहो खुदा की याद के साथ रहो। तो ये बता दिया गया कि दुनिया तमाम में महदवी कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी हो दायरे से अगर दूर भी है मुर्शिद से अगर दूर भी है तो ये फरमान यकीनन एक ऐसा बेहतरीन लाहे अमल है कि अगर हम इसे इख्तियार कर लेते हैं तो गुमराह नहीं होंगे। उसके बाद हजरत सानी मेहंदी रजी अल्लाह तआला को फिर से कदम बसी अर्ज करते हैं और उसके बाद वहां से रवाना हो जाते हैं। हजरत सानी मेहंदी रजी अल्लाह तआला को वहां से पटन से निकल कर चाहने की तरफ आते हैं तो आपके पहुंचने से पहले ही सुल्तान महमूद जो बादशाह गुजरात है उसके एक बहुत बड़े वजीर मलिक उस्मान को मालूम हो जाता है जो मेहंदी अलैहि सलाम से अकीदत व मोहब्बत रखते हैं। मेहंदी अलैहि सलाम के फर्जंद की आमद की तिला पर आप चापानी से आगे निकलते हैं और इस्तकबाल करते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा रियायतें और आपके साथ खुसूसी इंतजाम करते हुए आप अपने महल में ले जाते हैं। महल में आपको ख्याम कराते हैं। उसके बाद बैरम गांव और सांचोर की जागीर और उसके साथ साथ 7,000 मनसब 1,00,000 दिन के द्वारा भी हजरत सानी मेहंदी रजी अल्लाह तआला के लिए मंजूर करवाते हैं। आप देखिए कि मेहंदी का फर्जंद कसब कर रहा है लेकिन उनकी हालत यह है कि कसब करते हुए भी वो अल्लाह के साथ है। मेहंदी अलैहि सलाम ने जैसा हुक्म दिया था हर जाके बाशिर पाया तो खुदा बाशिर। तो सफर में आपकी सौजे मोहतरमा बीबी खूब कलाम की है और वो भी हजरत सानी मेहंदी रजी अल्लाह तआला उसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत की वजह सिर्फ ये है कि ये मेहंदी का फर्जंद है। हजरत सानी मेहंदी रजी अल्लाह तआला कसब के दौरान मुख्तलिफ जगह जाते हैं शिकार के लिए जाते हैं और जब कहीं कहीं जाना होता है तो अपनी जौजे मोहतरमा से ये कहते कि मैं फला वक्त आ जाऊंगा धूप का साया फला जगह होगा उस वक्त तक मैं आ जाऊंगा। चूंकि आपकी जौजे मोहतरमा को अपने शौहर की जुदाई खतई तौर पर मंजूर नहीं थी और आप शौहर की खिदमत करते हुए इतना दिल जीत लिए थे कि हजरत सानिया मेहंदी रजी अल्लाह तआला ने भी अपनी जौजे मोहतरमा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। अलबत्त एक दफा का वाकया है कि आप मामूल के हिसाब से शिकार के लिए निकले और कहा कि मैं फला वक्त तक वापिस आ जाऊंगा। वापिस आने की पूरी तैयारी थी लेकिन उसी दौरान खरीद के एक जागीरदार जो मेहंदी अलैहिस्सलाम के मुंतखब और मुसद्दिक थे वो मेहंदी के फर्जंद को देखकर बहुत ही दस्त बस्ता अदब के साथ मामला किया कि आप मेरे जागीर में चलिए वहां पर थोड़ा ख्याल कीजिए। हजरत सानी मेहंदी रजी अल्लाह तआला को टालते रहे और कहे कि अगर मैं यहाँ पर रुक जाऊं तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा लेकिन वो जागीरदार बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनवा लिया और हजरत सानी मेहंदी रजी अल्लाह तआला उनके जागीर में गए और उसके बाद रात भर इस्तेरारी कैफियत में हजरत सानी मेहंदी रजी अल्लाह तआला ने गुजारे हैं कि मैंने वादा किया था अपनी बीवी से फला वक्त पर आऊंगा पता नहीं उनकी क्या हालत है। और इधर आपकी जौजे मोहतरमा मुख्तलिफ वसवसों और ख्यालात में मुब्तला हो गए पता नहीं कौन सा दरिंदा आपको अपना निवाला बना लिया मुख्तलिफ ख्यालात आए और होते होते बात यह भी कि जैसे जैसे रात चलते जा रही थी बीबी खूब कलाम की हालत बदलते जा रही थी और मोहब्बत हो तो ऐसी हो
कि अल्लाह वालों से भी मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। बीबी अपने शौहर की मोहब्बत में इतना वक्त दे के आपकी हालत गैर होते होते आखिरी में ये हो गया कि आपकी जान ही निकल गई। उसके बाद सुबह सुबह जब हजरत सानी मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु पलट कर आए तो देखा तो आपकी ज़ौजे मोहतरमा अल्लाह को प्यारी हो गई। तो आप इतने मरहूम रहे, इतने रंजीदा रहे कि जमाने दराज तक कोई दूसरी शादी का जिक्र करता तो आप नाराज हो जाते थे और कहते थे कि मुझे वो खूबियां वाली बीबी कैसे मिलेगी, लिहाजा मैं निकाह नहीं करता। वक्त गुजरता गया, होते 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 बहुत सारे लोग ये बता देते रहे कि आपका इस तरह से रहना मुनासिब नहीं है, लिहाजा आप अपने शादी कर लीजिए। तो बड़ी मुश्किल के बाद, बरसों के बाद हजरत सानी मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दूसरे निकाह के लिए तैयार थे। अब देखिए निकाह के लिए, निस्बत के लिए मियाद क्या था और देने वालों का मियाद क्या था और करने वालों का मियाद क्या था। हजरत सानी मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मनसबदार है, जागीरदार है, सांचो बहरमगांव ये दोनों गांव आपके कब्जे में है, 1,00,000 दिन की आपकी तनख्वाह है, सब कुछ है। लेकिन आप रिवायतों में यह आया है कि मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए तक नहीं रहती थी, आप सब खैरात कर देते थे और कहीं से अल्लाह जब पहुंचाता था तो फिर आप मजदूरों को दे जाते। तो ये तो अल्लाह वालों का हाल था। अलग निस्बत की बात छिड़ी, प्रपोजल भेजे गए मुख्तलिफ जगह, मुख्तलिफ लोग लेकर गए तो मलिक उस्मान जो जागीरदार थे जिन्होंने हजरत सानी मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्तक़बाल किया था, उन्हें मालूम था कि हजरत सानी मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दूसरा निकाह करने वाले हैं। तो वो भी बड़े जागीरदार थे, मनसबदार थे, उन्होंने यह देख लिया था कि हजरत सानी मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तर्ज जिंदगी क्या है, महल में है लेकिन सुराही पलट दी जाती है, फख्र फासे में है। सब कुछ होने के बाद मलिक उस्मान के दिल में ये तमन्ना भी कि मेहदी का फर्जंद उसके पास मेरी बेटी बांदी बनकर चली जाए। तो चुनाचे रिश्ता लगाने वाले जिन्हें मुशाफा कहते हैं उन्हें मलिक उस्मान कुछ माल का लालच दिए और कहा कि मियां सैयद महमूद के पास मेरी बेटी का रिश्ता ले जाओ। तो मुशाफा लोग कहे कि मियां सैयद महमूद तो बहुत ही खूबरू है और बीबी खुद कलाम की खूबसूरती का ये आलम है कि वो दूसरे निकाह के लिए बड़े मुश्किल से राजी हुए हैं, लिहाजा आपकी दुख्तर तो सामूली है, रंग थोड़ा सा डल है, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है। तो मलिक उस्मान उन मुशाताओं को मान का लालच दिया और कहा कि खलीफतुल्लाह के फर्जंद के पास अगर मेरी बेटी चली जाती है तो मेरी पीढ़ियों की बख्शिश हो जाएगी। चुनाचे मलिक उस्मान कामयाब हो जाते हैं और मुशाता जाकर बीबी कदबानु रजी अल्लाह तआला अन्हा जो आपकी ज़ौजे दुवम बनती है उनकी खूबसूरती के बड़े किस्से सुनाते हैं। तो हजरत सानी मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु निकाह के लिए तैयार हो जाते हैं, निकाह हो जाता है। शबे अरोसी को जब देखा जाता है तो बात मुख्तलिफ है, जो बयान की गई वैसे नहीं है। हजरत सानी मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु को थोड़ा पार होता है, उसके बाद आप सो जाते हैं। सोने से पहले अपनी ज़ौजे मुहतरमा दुल्हन से ख्वाहिश करते हैं बीबी कदबानु रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा से कि मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओ। दुल्हन पानी लाने के लिए जाती है, इधर शोहर नामदार को नींद आ जाती है, उसके बाद दुल्हन लेकर रात भर खड़ी रहती है। जब आपकी नींद खत्म होती है, बेदार होते हैं तो आप पूछते हैं कि मैं तो तुमसे पानी बहुत पहले मंगाया था, तो वो कहते हैं कि बांदी आपके हुक्म के मुताबिक जब ही पानी लेकर आई है। तो हजरत सानी मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु पानी ले लेते हैं, जज़ाकअल्लाह कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बीबी तुम इतनी मेरी जो खिदमत कर रहे हो ऐसी क्या खूबी देखी मुझमें जो जागीरदार मनसबदार की बेटी है और उसके बावजूद मेरे निकाह में रहना चाहती है और मेरी खिदमत पर खिदमत की जा रही। तो बीबी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कुर्बान जाए जवाब पर क्या प्यारा जवाब। सानी मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु सवाल कर रहे हैं कि मुझमें ऐसी क्या देखी है जो तुम मेरी ऐसी खिदमत कर रहे हो। तो बीबी कहती है मैंने आप में कोई खराबी नहीं देखी, सुभान अल्लाह, आप में कोई खराबी नहीं देखी। तो मतलब ये कि खूबियों का तो
इस हिसाब से मैं खिदमत कर रही हूँ। तो उसके बाद हजरत सानी मिर्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला मेरे दिल में मोहब्बत हो जाती है। और उसके बाद हजरत सानी मिर्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला को जब भी दिक्कत पाते हैं अल्लाह तआला उनसे मोहब्बत करते हैं। तो एक मौके पर बीबी कतबानू रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी जोड़े में मोहब्बत हो तो इस बांदी और मियां सैयद महबूब की तरह मोहब्बत। तो इसीलिए निकाह में अल्लाह का लबैक पढ़ा जाता है। अलबत्त उसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तस्लीम हिजरत करते हैं पटन, वहां से बढ़ली, नागौर, अजमेर, जैसलमेर वगैरह से होते होते नसरपुर चले जाते हैं। और नसरपुर पहुंचने के बाद वहां पर एक वाकया ये होता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर शायर हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बंदगियां शायर उमर सिद्दीक हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं कि अपने अपने घर वालों को, बीवियों को, बच्चों को ले लेकर आओ। तो सब आते हैं। उस वक्त हजरत सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामू मोहतरम मियां सैयद सलामुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने भांजे को ये कहते हैं कि सैकड़ों लोग आ रहे हैं और खातिमे विलायत से फैज पा रहे हैं, तुम बाप के इस फैज से महरूम हो, लिहाजा देखो फौरी आ जाओ। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम देखते हैं कि हजरत मियां सैयद सलामुल्लाह तआला को खत लिख रहे हैं। तो पूछते हैं कि मियां सैयद सलामुल्लाह क्या लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो? तो हजरत सलामुल्लाह तआला को बयान करते हैं कि मैं अपने भांजे के लिए, आपके फजल के लिए खत लिख रहा हूँ कि ऐसा ऐसा। तो मेहदी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये खत को महफूज कर दो, इस तरह लिखो कि चापानियर में सैयद मोहम्मद है और नसरपुर में सैयद महमूद है। ये जाहिरी दूरी कोई माना नहीं रखती। इस तरह जब ये खत हजरत शाह ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए हजरत सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाता है, आप जो ही खत पढ़ते हैं बेचैन हो जाते हैं और रोने लगते हैं और उसके बाद फौरी तरके दुनिया करते हैं। तो जब ये खत हवाले किया जाता है आपके हुजरे से आपको बाहर बुलाकर हवाले किया जाता है। देखिए बुजुर्गों के दीन का हर अमल कितना दिलकश मुतासर कुन होता, जब ठान ली तो किस तरह ठान ली, हुजरे के बाहर बुलाकर दिया गया था। पढ़ते हैं, फैसला करते हैं और अपने नौकर चाकर से कहते हैं कि मेरा जो भी सामान है तलवार वगैरह बुलाकर मुझे दे दो, अब मैं हुजरे में नहीं जाऊंगा, मैं तर्क दुनिया का फैसला कर लिया हूं, मीरा जी की खिदमत में जाना मुझे है। उसके बाद होता है और आप बीबी कतबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी ले लेते हैं और लेकर निकलते हैं। वहां से निकल कर जाते हैं और उसके बाद सन 910 हिजरी जमादुल अव्वल के मुकद्दस महीने में हजरत सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकल कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाते हैं। और मेहदी अलैहिस्सलाम वहां से निकल कर ठट्टा पहुंच जाते हैं जो मौजूदा अफगानिस्तान का एक सूबा है। मेहदी अलैहिस्सलाम वहां पर है, इधर हजरत सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे हैं और अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि हमारा बंदा आ रहा है। तो हजरत सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आमद की इत्तला अल्लाह तआला बता देता है। तो मेहदी अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलते हैं, इस्तकबाल के लिए आगे जाते हैं, बेचैन होते हैं। तो लोग सवाल करते हैं कि क्या मेहदी भी अपने बेटे के लिए इस तरह बेचैन होता है? तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि पोत पोत होकर आ रहा है, बेटा बेटा होकर आ रहा है। तो इस तरह मेहदी अलैहिस्सलाम को तस्लीम से जब मुलाकात होती है तो उस दौरान भी बीच में भी कुछ वाकयात हैं जिसे मैं खत नजर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। फराह मुबारक में पहुंच जाते हैं मेहदी अलैहिस्सलाम और तस्लीम की हयात तक हजरत सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 महीने तक इमाम अलैहिस्सलाम से खत्मियत विलायत मुखय्यद मोहम्मदिया का फैज हासिल करते हैं। 6 महीने दिन भर हुजरे में हजरत सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फैज़े मुखय्यद की तालीम दी जाती है और उन्हीं 6 महीनों की तमाम रातों में हजरत बंदगी मियां सैयद शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तालीम दी जाती है। उसके बाद सन 910 हिजरी मनी से खाता को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हो जाता है। विसाल मुबारक के बाद हजरत बंदगी
और सब में रखने के बाद हजरत सानी मेहदी रजी अल्लाह तआला को ऊपर तशरीफ ला रहे हैं, तो हजरत बंदगीया शाह उम्मे सिद्दीक विलायत रजी अल्लाह तआला की नजर पड़ती है हजरत सानी मेहदी रजी अल्लाह तआला पर, तो आप चीख कर पुकार कर कहते हैं कि हमारा नबी हमारे दरमियान मौजूद है। तो रिवायात में आया है कि हुलिया, बाल, शक्ल, सूरत और रंग सब कुछ इमाम महदी मऊद अलैहिस्सलाम तस्लीम के जैसा हो गया था। इसी वजह से हजरत बंदगी विरासियत महमूद रफी अल्लाह तआला को सानिय महदी कहते हैं, महदी के जैसा, महदी का मिस्र। अलग और एक अजीम शान मौजूदा होता है कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम तस्लीम का जैसा दे अथर खबर में होता है तो बंदगी या शाह को मिस्र की रिवायत रफी अल्लाह तआला को सवाल करते हैं, पूछते हैं कि भाई सैयद महमूद, क्या आपको ये बात याद है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद अगर मेरा जिस्म, मेरा मेरी बॉडी, मेरा जसद खबर में मौजूद हो तो समझो कि बंदा महदी मऊद नहीं था, बंदा झूठा था, अल्लाह पर इफ्तिरा बांधने वाला था, और अगर खबर में जसद ना हो, बॉडी ना हो तो समझो कि बंदा महदी आखिरुज़्ज़मां था, खलीफतुल्लाह था। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है एक खलीफतुल्लाह का अपनी जिंदगी के बाद, जिंदगी के अंदर नहीं। तो उस वक्त हजरत शाह कमर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को याद दिलाते हैं, तो हजरत सानी मेहदी रजी अल्लाह तआला को इरशाद फरमाते हैं कि हां भाई सैयद उमर ऐसा ही फरमाया था। उसके बाद जब खोल कर देखा जाता है तो सारी कब्र में सिर्फ नूर ही नूर होता है। ये वाकया जब होता है तो उस वक्त हजरत सानी मेहदी रजी अल्लाह तआला की उम्र शरीफ 43 बरस और बंदगीमिया शाह की उम्र शरीफ 24 बरस की होती है, यानी पूरा 19 साल का वक्त। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद 10वें के बाद हजरत शाह 19 सिद्दीक विलायत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म होता है कि शहादत महसूसा का वक्त करीब आने वाला है, अल्लाह का मंशा पूरा होने वाला है और वो अजीम मौजज़ा गुजरात में होने वाला है, लिहाजा तुम गुजरात की तरफ हिजरत करो। हजरत शाह कबीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10वें के बाद निकल जाते हैं, लेकिन सानी महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीगर अस्हाब-ए-किराम के साथ और अज़वाज-ए-मुतहरा के साथ फरा मुबारक में ही एक साल तक क़याम करते हैं। एक साल के बाद हजरत सानी महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरा मुबारक से निकलते हैं और हिजरत करते हैं और गुजरात में आकर क़याम फरमाते हैं। हजरत सानी महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब गुजरात में आ जाते हैं तो महदी अलैहिस्सलाम के तमाम खलफा और असहाब सानी महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ ही रहते हैं, तो सानी महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबको हुक्म देते हैं कि अलग अलग दायरा बांध कर रहो। सब इनके सारे करते हैं कि हम आप ही के साथ रहना चाहते हैं, तो आप इरशाद फरमाते हैं कि मुद्दाए महदी को दुनिया के सामने पेश करना है, लिहाजा अलग अलग दायरे बांधने में ही मुद्दाए महदी की तशहीर और तकलीफ होगी, लिहाजा हजरत सानी महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म की तामील में सब लोग अलग अलग दायरे बांधकर मुख्तलिफ जगह चले जाते हैं। हजरत बंदगी में सैयद महमूद सानी महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफतुल्लाह के फर्जंद हैं, लखते जिगर हैं, सानी महदी का जिन्हें लखब मिला है सब कुछ है, नजीबुत्तरफैन है, सब कुछ होने के बावजूद इनके सारी का बदला है, इनके सारी ऐसी है कि इजमा में अपने आप को पेश करते हैं, उसमें छोटा बड़ा, गरीब अमीर, सैयद पठान, तकनी शेर, सब होते हैं। उस इजमा में अपने आप को पेश करके हजरत बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि भाइयों, बंदे में और मीरा जी के अमल में कोई फर्क देखो, कोई डिफरेंट देखो, तफावत देखो, ज्यादती और कमी देखो तो बंदे को टोक दो, अगर ऐसा नहीं करेंगे, रियायत करेंगे तो बंदा हश्र में तुम्हारा दामन पकड़े। कितनी बड़ी बात भी, तो चुनांचे रिवायात में आया है कि आप जब इजमा फरमाते थे तो तकरीबन इतना कसीर इज्तिमा होता था, जो ये दिन सुबह की नमाज की अदायगी के बाद आप बयान कुरान फरमाते थे, इजमा फरमाते थे, 22-22 बैल काटे जाते थे। अब कितना कसीर मजमा होगा सोचिए आप, उसमें नॉन अननोन सब पर्सन है, छोटे बड़े, जाने अनजाने, मारो गैर मारो सब है, उसमें अपनी
मानिंद हो। मछली की तरफ जाते ही वो पानी में डूब कर चल जाती है, पलट कर काटती नहीं, हमला नहीं करती, उस पर गल डालते हैं तो निकल जाती है या फंस जाती है। बहरहाल मछली की सिफत का हो जाना चाहिए। तो खलीफतुल्लाह के फर्जंद कैसा अलग किरदार दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन ये सब है, लेकिन शरीयत के मामले में, तरीकत के मामले में कोई रो लिया नहीं। एक दफा का वाकया है कि आप ही के मामू रिश्ते में बड़े उम्र में पड़े बंदगियां सैयद सलाम अल्लाह तआला इजाजत के बगैर दावत में चले गए। ले जाने वाले उन्हें इकरार किया और वो चले गए। हजरत सानी मेहंदी रज़ी अल्लाह तआला ने उसे इजाजत नहीं दिया, तो दायरे का यह निजाम था कि साहिब इदारा से इजाजत लेकर दायरे के बाहर कदम डाले। कासिबों के लिए भी ये हुक्म था, जब तक ये दायरे का निजाम हमारे पास था, दुनिया जैसा के खायल है अबुल कलाम आजाद जैसा कहता है कि ये मलए आला के मुकद्दस फरिश्ते थे जो जमीन की तकदीर के लिए इंसानों के हैकल में भेजे गए थे, और जब अल्लाह ताला इंसानों से ऐसे काम लेना चाहता है तो फरिश्तों की शक्ल में भेज देता है। तो वो सूरत थी दायरे का जब तक निजाम था, अब दायरे से निकल गए, बेलगाम हो गए, जिधर मुंह उठा उधर जाने लगे। तो हजरत दायरे के निजाम के दौरान बंदगियां सैयद सलाम अल्लाह तआला से मुर्शिद के हुक्म के खिलाफ वर्जी हो जाती है, इजाजत नहीं लेते हैं, जाते हैं, दावत खाते हैं, आते हैं, तो होने के दो दिन के बाद मियां सैयद सलाम अल्लाह के बगैर इजाजत जाने का मालूम होता है। तो हजरत सानी मेहंदी रज़ी अल्लाह तआला रिश्ते का लिहाज नहीं करते और उसके बाद आपको दायरे के बाहर फेंक देते हैं, चला देते हैं कि आप चले जाइए, क्योंकि आप दायरे का जो सिस्टम है उस सिस्टम को आप अगर तोड़ेंगे तो दूसरे लोग भी जुर्रत करके तोड़ेंगे। लिहाजा हजरत बंदगियां से सलाम अल्लाह तआला को वहां पर दायरे के बाहर कर दिया गया। तो आप दायरे के बाहर अपने ही पगड़ी को खोल लिया और गले में दाबते रहे, खजात और शर्मिंदगी इख्तियार कर ली, ये नहीं देखा कि मेरा भांजा मुझे कसा है, हुक्म दिया है दायरे के बाहर आउट किया है, ऐसा नहीं, बल्कि कोशिश ये हो रही है दूसरे फुकरा के जरिए कि मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, मुझे फिर से अपने कदमों में जगह दे दी जाए। चुनाचे तीन दिनों के बाद उनकी इनके सारी को देखते हुए, उनकी नदामत को, उनकी खता के इतराफ को देखते हुए दायरे में बुला लेते। तो ये आला किरदार दायरे का रहा है। हजरत बंदगी मेरा सैयद महमूद सानी मेहंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस हमेशा एक मार दो फाड़ वाली रही, टकाटक जो बात है खरी खरी किसी के साथ रो रही है नहीं। चुनाचे एक मौके पर एक शख्स जागीरदार था, मनसबदार था, जो फताह खान कहलाता था, उसने चुपके से किसी से सवाल कराया कि मुनकर मेहंदी को आप क्या कहते हैं। तो आपने कहा कि कुरान और हदीस की रूह से मुनकर मेहंदी काफिर होता है। उसके बाद फतेह खां की जुर्रत जागी, उसने सवाल किया कि अगर फतेह खां कहता है तो आप क्या कहते हैं। आपने कहा कि फतेह खां भी अगर कहता है तो काफिर है अक्सर, क्योंकि कुरान से साबित है, सूरह हूद की आयत से साबित है और अहादीस शरीफा से साबित है, सही तरीन अहादीस शरीफा से, मन अंकर मेहदी फकत कफर, जिसने मेहदी का इंकार किया वो काफिर हुआ। आज भी जो मेहदी के इंतजार में, अगर उनसे ये पूछा जाए कि जिस मेहदी के इंतजार में तुम है उस मेहदी का अगर इनकार किया जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है, तो वो आज भी यही कहेंगे और क़यामत तक यही कहेंगे, चूंकि अहादीस शरीफा में प्राप्त है पकाया गया और
سخت فخر پاتا ہے. تو حضرت بندگی میں آپ سانی بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور روتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دائرے کے بھائی فخر و فخر کر رہے ہیں اور میں کھاؤں. اس کے بعد بی بی کربان رضی اللہ تعالیٰ عنہ از خود اپنا زیور بندگی میاں سانی بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں للہ پیش کر دیتے ہیں. اس زیور کو بیچ کر دائرے کے تمام افراد کو کھلایا جاتا ہے. یہ صاحب دائرہ کا کردار ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, واقعات کے انبار ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی, آپ کے واقعات, آپ کے مناسب, آپ کی خصوصیات بیان کرنا وہ بھی ایک بے عمل کے لیے خطری طور پر نہ ہوں گے. رمضان مبارک کا موقع ہے مختصرا, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی طرز زندگی کیسے تھی. سیرت سننے اور سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بزرگان دین کی سیرت سے اپنی زندگی کو ہم تیاری کریں, دیکھیں. آج ہر چیز کی فراہمی ہے, آسائش حاصل ہے, کوئی دقت اور مصیبت تکلیف نہیں ہے, لیکن وہ پاکان خدا, وہ مقربان خدا کیسے تھے جو اگر ایک پہاڑ پر نظر ڈال دیتے تو وہ سونے کا ہو جاتا, ایک درخت کو دیکھتے تو وہ ہیرے موتی والا ہو جاتا, لیکن ان کے پاس یہاں کے نہیں بلکہ ہیرے موتی بنانے والا, درخت بنانے والا, پہاڑ بنانے والا رب کائنات کا دیدار تھا. ان کا مقصود حیات رب کائنات, اس وجہ سے وہ مشقتیں جھیلے. جتنی مشقتیں یہ جھیل سکتے تھے, فخر فاتح کی مشقت بہت بڑی آزمائش ہے. یہ اور علم بولنا بہت بڑی بات ہے, لیکن پریکٹیکل جب فخر فاتح کی مصیبتوں سے کوئی گزرتا ہے تو اس سے پوچھو کہ ایک لقمہ جب پاتا ہے تو پیٹ کیا پکارتا ہے, ایک پانی کا گھونٹ اگر اترتا ہے دو تین دن کے بعد تو ہلاک کیا چیختی ہے, کیسے پکارتا ہے ہلاک. تو یہ لیکن ایک دفعہ کا واقعہ ہے, کہیں پر حضرت بندگی میرا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ مولا تھا, وہاں پر سب کے حجرے تھے, کمرے, آر سی سی کے نہیں, پختے نہیں, جھوپڑیوں کے, گھاس پھوس کے, طبقہ رحمت کا ہر جگہ سے آنے والا, اللہ کا نور ہر جگہ سے آنے والا, وہ حجروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, موسلہ دھار بارش ہوتی ہے, اتنی بارش ہوتی ہے, اتنی بارش ہوتی ہے کہ خدا اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے, سارے حجرے گر جاتے ہیں. بندگی میرا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حجرہ باقی رہتا ہے. آپ باہر نکلتے ہیں, زاروں قطار روتے ہیں, رونے کی وجہ کیا, دیکھیے آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں کہ میرے بھائیوں کے تو حجرے گر گئے, میں بدنصیب ہوں, میرا حجرہ نہیں گرا. اس کے بعد دوسرے دن کی بارش ہوتی ہے, حجرہ گر جاتا ہے. دیکھیں کتنا بڑا اسٹینڈرڈ ہے ان کا, کتنی اعلیٰ پسند ہے کہ دوسرے لوگوں کا گھر گرا, آج لوگ خوش ہوتے ہیں. لیکن وہ پاکان خدا کیسے تھے جن کی ہم سیرت سن رہے ہیں, یہ سیرت کے سننے اور سنانے کے وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے بکھرے ہوئے ہیں, ان کی پاک روح پر بھی اللہ اپنی تجلیات برسا رہا ہے. ان کے سچے میں ہم جو تھوڑی بہت اپنی گندی زبان سے ان پاکان خدا کا نام لے رہے ہیں کہ زبان پہ یہ کس کا نام آ گیا کہ لطف نے زبان کے بوس لیے, تو ایسا ہو رہا ہے. تو حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اپنے رویے کے ساتھ بتاتے ہیں کہ میں صاحب دائرہ ہوں, میں سلطان دائرہ ہوں, لیکن بوریا نشین سلطان دائرہ ہوں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت کے دائرے میں ایک باہر والا عالم ملا محمود خون شاہ آ جاتا اور ثبوت مہدی پر بحث ہوتی. حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثبوت مہدیت پیش فرماتے, اس کے بعد نماز کا وقت آتا تو ملا محمود خون شاہ کو شاپور کا امام کا آگے بڑھ جاتا, لوگ ہاتھ پکڑتے, پیچھے کھینچ لیتے اور ارشاد فرماتے کہ تو منکر مہدی ہے, تیرے پیچھے ہماری نماز جائے گی. حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علی الاعلان ارشاد فرما رہے ہیں. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اس میں کوئی شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ نہیں, قرآن سے, حدیث سے,
और अकल से नकल से हर चीज से साबित करके बताने की मैं कैपेसिटी रखता हूं कि मुनकर नहीं के पीछे नमाज जायज ही नहीं बल्कि हराम है। क्यों? किताबुल फिक्ह अलग मज़ाहिबुल अरबा उठाकर देख लीजिए, जिसमें चारों अइमा के मसाइल बयान किए गए हैं, उसमें चारों अइमा इस बात पर मुत्तफिक है कि इमाम और मुख्तदी का अकीदा और अमल एक होना, अकीदा और अमल में इत्तेहाद होना है, नहीं होता है तो ऐसी सूरत में इमाम की इमामत सही नहीं होती और मुख्तदी की इक्तदा सही। आज चूंकि मुनकरान मेहदी की इक्तदा बड़े शौक से किया जा रहा है, की जा रही है, और अपने मसाजिद को फलान कर जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि वहां अच्छा किताब हो रहा है, वहां अच्छी नमाजें पढ़ाई जा रही है, चार चार इंजीनियर हाफिज कुरान है उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अरे मेहदी अलैहिस्सलाम के फरमान को बाजू रख देने वाले बदबख्तो, मेहदी अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाए, शरीयत क्या हुक्म देती है, कोई बता दे, अगर अहले तशी की इक्तदा कर ये लोग करते हैं तो फिर हम भी करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मेहदी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए कि बतूमा ने मुनकराने मेहदी नमाज मत उतारे, मुनकराने मेहदी के पीछे नमाज मत पढ़ो, अगर गुजारा शेर आप करवाने अगर पढ़ लेते हैं किसी वजह से कंफ्यूजन की वजह से, आए थे मस्जिद मूसा में अकल में और एक बाहर वाला पढ़ रहा था, नमाज पढ़ लिए, मालूम हुआ कि बाहर वाला है, बाहर वाला है, लिहाजा नमाज लौटाना है, कंफ्यूजन की वजह से पढ़ के एक्टिंग करना होते हैं। तो सीरत पाक में ये खास तौर पे बताया गया कि मुनकराने मेहदी की इक्तदा जायज नहीं है। तो क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ कर दीजिए। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे पैगंबर कुल, आप मेरी तरफ से कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो तो फत्तबिउनी, लिहाजा मेरी पैरवी करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए कि बस्त उम्र में मेहदी आएगा, उसके अखलाक, उसकी सीरत, उसकी उसकी सूरत, हर चीज ये होगी, नाम, नसब, हसब, सारी चीजों को बता दिया, कहां आएंगे, कैसे आएंगे, बर्फ के पहाड़ भी अगर दरमियान में हो तो रेंगते हुए जाओ, फइन्नहु खलीफतुल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा। इतना बदलने के बाद अगर उस बात को नहीं मान रहे हैं तो ये अल्लाह के रसूल के हुक्म के सरकश है, बागी है, रफ्तार है, खिलाफ वर्जी करने वाले हैं, तो ऐसे लोगों की इक्तदा कैसे होती है? नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, लिल फुलूस नहीं, लिल्लाह, अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, लिल फुलूस नहीं। और पैसे लेने वाले इमामों के पीछे पढ़ने वालों से मैं ये सवाल करता हूं, अरे बंदर तो टाइम भी पूरा दे रहे हो, इनकम क्यों नहीं? इमाम जब पैसे ले रहा है तो तुम मुख्तदी तो उन्हें ही पैसे दो, तुम्हारी इनकम क्यों? तो अलवरत हजरत सानी मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पाक में खास पहलू ये है कि आप बड़े कड़क थे, अकायद के मामले में बहुत सख्त थे। हमारा भी रवैया यही होना चाहिए, चुनाचे आप जहां जहां जाते मुद्दाए मेहदियत को बरमा पेश करते, सारे गुजरात के लोग परेशान, बादशाह को वर्ग आए परेशान किए कि मेहदी का फर्जन हर जगह जा रहा है, लोगों को दुनिया के अंदर तक यहाँ से दीदार को भी खराब दे रहा है, लिहाजा हमारी दुकानें, हमारे शोरूम बंद होने वाले हैं, आप कुछ कीजिए। बादशाह के पास कुत्तों की तरह फरियाद लेकर गए वो रमाय सू, तो हजरत सानी मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु को 29 रबीउल सानी सन 919 हिजरी को गिरफ्तार कर लिया गया इस जुर्म में कि आप एलाए हक करते हैं, हक को बुलंद करते हैं, जो बात से बरमा कहते हैं, दुनियादार बरमा की दुकानें बंद हो रही थी, आपको बरमा नहीं थी, आप ये देख रहे थे कि मेहदी अलैहिस्सलाम का मुद्दा कैसा दुनिया के सामने बरमा अंदाज में पेश किया जाए, चुनाचे आपको गिरफ्तार करके जब ले जाया जाता है तो सवामन की जंजीर आपके जिस्म में बांध दी जाती है, अंदाजा कीजिए 125 kg सवामन, 10 kg की चैन अगर कोई हाथ में पहन के बताता है तो मैं मान लेता हूं उसको, कई दिन तक एक सफामन के जंजीर आपके जिस्म, पैरों में, गर्दन में, हाथों में सब में डाल दिया गया, और उसके बाद जब इसकी इत्तला बंदगी
सैयदना शाह याकूब हसन मिलाद रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक दफ्तर आपको सुनता कौन है जो हजरत जलीनिया शाह महमूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजे मुकर्रमा है। अब आकर मिसाल मुबारक अभी नहीं होता है, एक मौके पर हजरत सानी मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बड़ी तारीखी बात बयान फरमाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह गवाह है कि मैं मेहदी का फर्जंद हूं या मेहदी मेरे बाप है, कभी मुझे ये घमंड नहीं रहा। हजरत सानी मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आज सूरत हाल मुख्तलिफ है, लोग खानों में पड़ गए हैं, बांट रहे हैं, खुद भी गुमराह हो रहे हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। हजरत सानी मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु की तालीम क्या थी? आपने ये कह दिया खुला खुला कि मुझे इस बात का खतई तौर पर जान नहीं है कि मैं मेहदी का फर्जंद हूं या मेहदी मेरे बाप है। अब अगर कोई कहता है तो हम सवाल करेंगे, तुम शेख हो, पठान हो, सैयद हो, मिर्जा हो, सब कुछ हो, बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो? यही सवाल करेंगे कि आज तुम मेहदवी हो? मेहदी अलैहिस्सलाम के इस लगते जिगर में दुनिया के सामने क्या मैसेज दिया, क्या पैगाम दिया और आज हम किधर जा रहे हैं? हमें इन सारी खुराफात से, बुरी बातों से बचना चाहिए। बंदगी मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पाक के बहुत से हिस्से, जैसा कि मैंने अर्ज किया, पेश करने से मैं खातिर हूं, मैं खताकार हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही वक्त में जो बातें बयान की जा रही है यही आपकी सीरत पाक। 52 साल तवील अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता और उस अर्स हस्ती की सीरत पाक सिर्फ आधे और पौन घंटे में बयान करना ये मुमकिन नहीं है। तो हम अल्लाह सुभानहू व तआला से आपके लिए दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन को अपने फजल करम से और रसूल और मेहदी के सदके से हजरत बंदगी मीरा सैयदना सानी मेहदी रजी अल्लाह तआला की रूह पुरफुतुह पर अपनी तजलियात की बारिशों पर बारिश फरमाए, आपके सदके और तुफैल में हमें भी और हमारी आने वाली क़यामत तक की नस्लों में ईमान की सलामती साबित फरमा दे। हम तमाम को ईमान पर मजबूती के साथ चले रहने की तौफीक अता फरमा। हमें भी बरमला अंदाज में अपने आप को महदवी की हैसियत से दुनिया में जहां कहीं रहे पेश करने की हिम्मत, सलाहियत और तौफीक अता फरमा। हमें भी मेहदी अलैहिस्सलाम के